जल शक्ति विभाग उपमंडल स्वादघाट की पेयजल स्कीमों पर पिछले कई वर्षों से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को राजनीति के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में लंबे अरसे से पेयजल स्कीमों पर ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों संजीव कुमार, रामरत्न भारद्वाज, राजकुमार रविकांत, बलवीर सिंह, वासुदेव विकास, रवि कुमार शर्मा, विनोद नरेंद्र, रुचिका, अरविंद कुमार, राजकुमार मलकियत सिंह आदि को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे अब इन कर्मचारियों को अपने और परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी है। इनकी इसी नौकरी से ही उनका परिवार चलता था, इसके बावजूद अब इस प्रकार के तानाशाही फरमान उनके गले नहीं उतर रहे हैं। यह सभी आउटसोर्स कर्मचारी फील्ड व पंप हाउस पर कार्य कर रहे थे, जिनको विभाग के रेगुलर कर्मचारियों द्वारा फोन के माध्यम से ड्यूटी पर नहीं आने को बोला गया। इसमें ना ही कनिष्ठ अभियंता और ना ही सहायक अभियंता द्वारा कार्य पर आने से मना किया गया। जब इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभाग के बड़े अधिकारियों से उन्हें हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ना ही हम रख सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। अब विभाग द्वारा पुराने कर्मचारियों की जगह बिन बताए पुरानी स्वाहन स्कीम कला बहल कोट खास वसमलेटी पेयजल स्कीमों पर नए कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार और विभाग को चेताया है कि यदि उन्हें जल्द ही दोबारा काम पर नहीं बुलाया गया तो वे आंदोलन की राह पर चलने को विवश हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। एनस्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।